काम रखो तो मुझे वही तो हम कर रहे, हम अपना काम से काम ही तो रख रहे। हमारा काम है कि जहां तक दीन का मामला है आप हम हमारे काम आपके काम में दखल दें, हमारा काम है ये, तो हम काम ही कर रहे हैं। मिसाल के तौर के ऊपर आप अगर कोई पहाड़ी के ऊपर जाते हैं पिकनिक पे आपके फैमिली के साथ, आपके अहले आपके बच्चे के साथ आप जाते हैं पिकनिक पे, और जब पहाड़ी पे पिकनिक पे जाते हैं तो वहां जब आप आपके अहलिया से बात कर रहे हैं आपका छोटा बच्चा अहमद 4 साल का आपके नजर से दूर हो जाता है। जब आपको पता चलता है आपका बेटा बहुत दूर चला गया पहाड़ी के किनारे के ऊपर, उसके नजदीक जा रहा है वो, आप आवाज देना चाहते हैं अहमद संभालो आप गिर जाएंगे, लेकिन आपकी आवाज उस तक नहीं पहुंच रही, अहमद संभालो आपकी आवाज नहीं पहुंच रही। और वहां आप देखते कि पहाड़ी के किनारे के ऊपर जहां आपका बेटा उसके नजदीक जा रहा है वहां पहाड़ी के किनारे के ऊपर एक जईफ इंसान हाथ पे हाथ डाले सीनरी का नजारे का, ही इज एंजॉयिंग ब्यूटी, वो लुत्फ उठा रहा है का नजारे का, माशाल्लाह क्या नजारा है। और आप कहना चाहते हो भाई साहब मेरे बच्चे को बचाओ, लेकिन आपकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही। वो जईफ इंसान आपके बच्चे को देखता है, वो मुस्कुराता है और फिर नजारा देखने में फिर से मशगूल हो जाता है। कुछ सेकंड बाद आपका बेटा और एक स्टेप लेता है आगे, और एक कदम लेता है और पहाड़ी से गिर जाता है और मर जाता है। मैं आपसे पूछता हूं क्या आप उस जईफ इंसान को जिम्मेदार ठहराएंगे क्या नहीं? हां क्या नहीं ठहराएंगे ना? आप बोलेंगे ओ भाई साहब आपने मेरे बेटे को क्यों नहीं बचाया, तो वो कहेगा मैं मेरे काम से काम रख रहा था। और सही फरमा रहा है, वो काम से काम ही रख रहा था। उसने नहीं कहा आपके बेटे को जब मारो, क्या उसने कहा आपके बेटे को खुदो? नहीं कहा। क्या उसने कहा क्या उसने अपने बेटे को धक्का मारा? नहीं मारा। तो सही कह रहा है कि मैं मेरे काम से काम रख रहा था, गलत क्या कह रहा है? लेकिन फिर भी आप उन्हें जिम्मेदार ठहराएंगे, आप कहेंगे कि अल्लाह सुबहाना व ताला ने आपको हिकमत दिया हुआ है, वो मेरा बेटा तो मासूम है, उसे क्या पता है क्या वो और एक कदम लेगा और मर जाएगा। आपको अल्लाह ताला ने जहन दिया है, आपको तो एक कदम लेने की जरूरत भी नहीं थी, सिर्फ आप आपका हाथ आगे करते थे और मेरे बेटे की जान बच जाते थी, फिर भी आप उसे जिम्मेदार ठहराएंगे, ठहराएंगे क्या नहीं? बेशक अल्लाह ताला ने जब उसे हिकमत दी है, आपका बेटा तो मासूम है, उसे क्या पता कि और एक कदम लेगा और मर जाएगा। इसी तरह आखिरत के दिन पे ये मुश्रिक लोग जब अल्लाह सुबहाना तआला जहन्नम में डालेंगे, आपका गरीबान पकड़ेंगे और कहेंगे कि जब अल्लाह ताला ने आपको हिदायत दी थी तो आपने क्यों नहीं कहा मुझे? हम देख रहे हैं कि मुश्रिक लोग जहन्नम जा रहे, आखिरत के दिन पे ये मुश्रिक लोग आपका गरीबान पकड़ेंगे और कहेंगे कि जब अल्लाह ताला ने आपको हिदायत दी थी तो आप लोग ने हमें क्यों नहीं कहा? हमें तो नहीं पता था कि हम जहन्नम में जाएंगे। आपका गरीबान पकड़ेंगे और आपके पास कोई जवाब नहीं रहेगा। अगर आपका पड़ोसी मुश्रिक है और आपने अपने पड़ोसी को दावत नहीं दी इस्लाम की, और अगर वो मुश्रिक जैसा मर जाता है, आखिर के दिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाएंगे कि आपने इस्लाम क्यों नहीं कबूल किया, तो वो कहेंगे अल्लाह बारी ताला मुझे किसने इस्लाम की दावत नहीं दी। अल्लाह ताला फरमाएंगे आपकी जिम्मेदारी थी कि हक जानना, उनको जहन्नम में डालेंगे। अल्लाह ताला आपसे फरमाएंगे कि आपने उनको दावत दी आपके मुश्रिक नेबर को, मुश्रिक पड़ोसी को, और अगर आप कहेंगे नहीं तो आप मुश्रिक के साथ जाएंगे। हर इंसान का फर्ज है, हर मुसलमान का फर्ज है कि वह दावत दे। दावत हर मुसलमानों के लिए फर्ज है। और अल्लाह ताला सूरह अल असर में फरमाते कि 4 चीज जरूरी है निजात पाने के लिए, जन्नत में जाने के लिए 4 चीज जरूरी है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल असर में सूरह नंबर 103 आयत नंबर 103 वल असर, इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीन आमनु व अमिलु सालिहाति व तवासव बिल हक व तवासव बिस सब्र। अल्लाह ताला वक्त की कसम खाते हैं और कहते हैं कि आदमी खसारे में है, सारे आदमी खसारे में है, सिर्फ वो शख्स खसारे में नहीं है जिनके पास ईमान है, righteous deed, अमल सालिहात, लोग जो अच्छा काम करे, ईमान है अच्छा काम करे, व तवासव बिल हक, लोगों को सच्चाई की तरफ बुलाए, हक की तरफ बुलाए, दावा करे, और लोगों को सबर की तरफ बुलाए। निजात पाने के लिए, जन्नत में जाने के लिए सूरह अल असर के हिसाब से आपको हर इंसान को 4 चीज की जरूरत है, ईमान, अमल सालेहात, दावा, लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाओ और लोगों को सबर की तरफ बुलाओ। अगर इन चारों में से एक भी चीज की कमी है तो
तो आम तौर पे आप जन्नत में नहीं जाएंगे। आप चाहे 5 टाइम नमाज पढ़ो, ज़कात दो, रोजा रखो रमजान में, हज के लिए गए, लेकिन अगर आप दावा नहीं करते तो सूरह अल असर के हिसाब से आप निजात नहीं पाएंगे। आम तौर पे अगर अल्लाह ताला आपको माफ करना चाहता है वो अलग बात है, लेकिन आम तौर पे आप जन्नत नहीं जाएंगे। सिर्फ दावा करना भी काफी नहीं, चारों चीज जरूरी है, ईमान, अमल सालेहात, दावा और लोगों को सबर की तरफ बुलाओ। अगर आप दावा नहीं करें और अल्लाह ताला माफ करना चाहता है, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 एंड आयत नंबर 116 में कि अल्लाह ताला शिर्क के अलावा कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है। अगर अल्लाह ताला आपको माफ किया और फिर जन्नत में डाले वो अलग बात है, लेकिन आम तौर पर सूरह अल असर के हिसाब से अगर आप दावा नहीं करेंगे, चारों में से एक भी चीज की कमी हो, ईमान, अमल सालेहात, दावा और लोगों को सबर की तरफ बुलाओ, इन चारों में से एक की भी कमी हो तो आप आम तौर पर जन्नत नहीं जाएंगे, आप निजात नहीं पाएंगे। हर इंसान का फर्ज है कि वह दावा करे, दावा हर इंसान के लिए फर्ज है, एटलीस्ट पार्ट टाइम। पार्ट टाइम मतलब कम से कम कुछ वक्त के लिए आपको दावा करना आपके लिए फर्ज है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125 में किस तरीके से दावा करना चाहिए, उदू इला सबिल रब्बिका बिलहिक्मा वल मौइज़ातिल हसना वजादिल बिल्लति हसन, कि लोगों को बुलाओ अल्लाह की तरफ हिकमत के साथ और हुस्नत के साथ, और उनसे बहस करो हिकमत के साथ और हुस्नत के साथ। हर मुसलमान को कम अज कम पार्ट टाइम दाई बनना चाहिए, कम अज कम कुछ तो जिंदगी में दावा करना चाहिए, उनका फर्ज है। दावा करना हर मुसलमान का फर्ज है निजात पाने के लिए। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 एक सौ नंबर 4 में, लेट दे अराइज आउट ऑफ यू अ ग्रुप ऑफ पीपल, आपके सारे उम्मा में से कुछ चंद ग्रोह होना चाहिए जो सिर्फ खुसूसन लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाए और बुराई से रोके, और ये वो शख्स है जो जन्नत में ऊंचा दर्जा पाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते इस आयत में अल्लाह ताला फुल टाइम दाइज की बात कर रहे हैं। हमारे पास फुल टाइम डॉक्टर्स कैसे कि बहुत है, डॉक्टर्स है फुल टाइम एडवोकेट्स है, फुल टाइम इंजीनियर्स है, फुल टाइम दाइस कितने हैं, जो क्रिश्चियन मिशनरीज लाखों दुनिया भर में फैले हुए, इंग्लैंड से इंडिया में आते, इंडिया में आपको इंग्लैंड से मिलेंगे दाइस, स्टूडेंट से मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया से मिलेंगे, अमेरिका से मिलेंगे, दुनिया भर में फैले हुए। हमारे वहां कितने दाई है जो दुनिया भर घूम के पैगाम पहुंचा जाए अल्लाह, कितने उंगलियां पे गिन सकते, कितने। दावा करना मिनिमम पार्ट टाइम तो हर एक के लिए फर्ज है, और हमारे उम्मा में से चंद लोग ऐसे होना चाहिए जो फुल टाइम दावत का काम करे, और ये उम्मा की जिम्मेदारी है कि इस दाई लोग को सपोर्ट करे। और अल्लाह सुब्हान अल्लाह फरमाते कम से कम 3 जगह कुरान शरीफ में, सूरह तौबा में सूरह नंबर 9 आयत नंबर 33, सूरह सफ सूरह नंबर 61 आयत नंबर 9 में, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा वद्दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ले वलव करिहल मुश्रिकून, अल्लाह ने अपने पैगंबर को भेजा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिकमत के साथ और दीनुल हक के साथ, कि ये दीन बाकी सारे दिगर मजहब से गालिब होगा, ये इस्लाम का दीनुल हक सारे मजहब से सारे इज्म के ऊपर गालिब होगा, क्रिश्चियनिज्म हो, जुडाइज्म, हिंदुइज्म, सेक्युलरिज्म, एथियज्म, इस्लाम इज डिस्टेंट टू सुपरसीड ऑल। अल्लाह ताला का वादा है कि ये दीनुल हक इस्लाम बाकी सारी मजहब के ऊपर गालिब होगा, आपके साथ या आपके बिना, मेरे साथ या मेरे बिना, हम तो बेकार है, अल्लाह ताला को आपकी और मेरी जरूरत नहीं है, हम तो एकदम रविश लोग है, बेकार लोग है। अल्लाह ताला को अपना दीन बाकी दिनों पे गालिब करने के लिए आपके मेरी जरूरत नहीं है। द रबिश दैट वी आर अल्लाह।